मोहम्मद शहीद रजा अभिनेता अमिताभ बच्चन की हमशक्ल है इन दिनों रांची के हिंदपीढ़ी आए हुए हैं। मोहम्मद शाहिद रजा अब तक 4 बार अमिताभ बच्चन से मिल भी चुके हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता अंजनी कुमार ने। सभी के महान नायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है और जब भी जन्मदिन का मौका होता है, मौका है अभी इत्तफाक की बात है, और हम लोग हिंदपीढ़ी में है और एक व्यक्ति है जो मूल रूप से पलामू के रहने वाले हैं, लेकिन वो अमिताभ बच्चन के हम शक्ल हैं। देखिए सर, मेरा नाम एमडी साजिद राजा है, मैं पलामू का रहने वाला हूँ, मूल निवासी। अभी फिलवक्त मैं जमशेदपुर टाटा में रहता हूँ। अभी यहाँ पर मैं आया हूँ अपनी बेटी के घर में और बहुत सारे रिलेशंस हैं यहाँ पे, हमारे मामा हैं, मौसी हैं, वगैरह वगैरह हैं यहाँ पे जी। और मेरी शिक्षा दीक्षा जो है ग्रामी में ही हुआ है और मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सका क्योंकि कुछ हालात ऐसे नहीं थे घर का। मैं मैट्रिक तक किया था, पढ़ाई हुई नहीं। और जब 7वीं कक्षा में था हूँ मैं था तो उस वक्त दीवार, जंजीर, वैसे तो बहुत सारी फिल्में जो फ्लॉप हुई इनकी, जैसे रस्म और सेरा हुआ, मिली हुआ और साथ हिंदुस्तानी हुआ, आनंद हुआ, बहुत सारी फिल्में थी जो बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, वो पिट गई। लेकिन जब से सलीम जावेद का कहानी इनको मिला, अमित जी को, जंजीर फिल्म, उस फिल्म से वो रातों रात जो है वो स्टार हो गए। तो जंजीर आई, हमने देखा, घर से भाग करके गए हम, फिल्म को देखा, बैल्टिंग में लगी हुई थी, बैल्टिंग से हट के थोड़ा सा हम रहते हैं, तो हमें बहुत पसंद आई फिल्म। तो हम उनसे बोले कि सर हम बिहार से आए हुए हैं, समझे नहीं, मेरा नाम शाहिद खान है, हमें नहीं, अरे अरे बड़ी अच्छी बात है, देखिए ऐसा है कि अब इस माहौल में हम क्या आपसे बात करें। 2011 में हमारी मुलाकात उनसे महबूब स्टूडियो में किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी जी। फिर जो है 2013 में एक बार मुलाकात हुई। अमिताभ बच्चन की फिल्म का कोई मशहूर डायलॉग यदि आप बोलना चाहेंगे तो बोल सकते। क्या बात कर रहे हैं, देखिए हम डायलॉग सुना रहे हैं, वैसे छोटा छोटा डायलॉग बहुत सा है, जैसे कालिया का डायलॉग है, सर हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। खुदा गवाह का डायलॉग सुना रहे हैं हम आपको, सर जमीन हिंदुस्तान अस्सलाम वालेकुम, जनाब मेरा नाम बादशाह खान है, इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान, मोहब्बत जिसके लिए फरहाद ने पहाड़ों को सीना चीर कर दूध की नदियां बहा दी। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन रिंकू के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।